गुरुग्राम नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। सभी उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंककर लोगों से चुनाव में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवार इंद्रावती लोगों से मुलाकात कर रही हैं और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही लगातार इलाके का दौरा कर रही हैं। वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवार इंद्रावती ने लोगों से वादा किया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो वार्ड में विकास का काम करवाएंगी और किसी को भी कोई परेशानी नहीं आने देंगी। वहीं वार्डवासी भी इंद्रावती को भरपूर समर्थन देते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि इंद्रावती हमारे वार्ड की हैं, अगर हमें किसी भी तरह की जरूरत होती है तो हम बहुत ही आराम से उनके संपर्क में चले जाते हैं। आज तक कोई काम नहीं हुआ इसकी, मतलब मेरे दिल में बहुत कसक है जिसको करने के लिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं कुछ यहाँ की मतलब तरक्की करूँ, विकास का कार्य करूँ। हमारे इलाके में सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली नहीं रहती, पानी की भी असुविधा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में काम हो और हमें लगता है कि बहन इंद्रावती इस कार्य में सफल होगी, ये कर सकती हैं, ये हमने देखा है। हम चाहते हैं कि हमारे इसमें क्षेत्र में सुधार हो। एक हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां बंद रहती हैं, सीवर नहीं चलते, सीवर बंद रहते हैं, पानी नहीं आते, सुअर ज़्यादा घूमते हैं। एक बैकवर्ड इलाका बना रखा है, पालम बिहार की बजाय बिल्कुल बैकवर्ड इलाका हो गया। पालम बिहार वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 का रेजिडेंट हूँ और हमारे यहाँ सब के सब जितने रेजिडेंट हैं एक तरह से रोष है कि ना पिछले 5 साल पहले वार्ड 2 और 3 में जो भी पार्षद के लिए जो भी वार्ड बंदी गई उसमें हमारे से कोई नुमाइंदगी में हमारा वो नहीं दिया गया और ना किसी तरह का पार्षद ने हमारे को सहयोग किया।